चलो चलो जल्दी देखो, देखो चलो चलो डांस डांस देखेंगे, चलो 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 डांस 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 मैं डांस कर लूँ। आओ देखो वो कुदरा देखिए, कुदले कुदले को अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाएं। तो ये आ गए थे रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु का रेलवे स्टेशन। सुबह 8 बजे पहुँच गए थे, 9 बजे की ट्रेन थी हमारी। तो जा रहे थे गांव, गांव मतलब रामनगर जा रहे हैं। बेंगलुरु से 1 घंटे की दूरी पर, एक्सप्रेस में जाओ तो 45 मिनट्स में चल जाते हैं, लेकिन शटल में जाएंगे तो 1 आवर लगेगा ही मैक्सिमम। तो आ गए थे तो सुबह सुबह आ गए थे ना, तो ये आते आते दुकान से पैक करा लिए थे नाश्ते के लिए, इडली बच्चों को इडली और साकिब को खाना था भात, तो अम्मी लेकर आ गए थे। तो जाकर नाश्ता करेंगे तो घर को 11 बज जाएंगे ना, इसलिए हाँ साकिब को लेकर जाकर छोड़ना भी है मदरसे में, 1 दिन की उसे छुट्टी मिली थी तो इसलिए हम सुबह ही निकल गए थे। ये देखिए ट्रेन चालू हो गई थी, आगे बढ़ गई थी, रुक गई थी, तो मैं पहले नहीं देखी थी तो अब देख रही हूँ। तो ट्रेन स्टार्ट हो गई थी, पीछे के पैसेंजर आ रहे थे कोई लेडी और जेंट्स दोनों, तो ट्रेन खींच कर ट्रेन रुक भी गई थी। तो मैं अभी भी देख रही थी, तो मैं हस्बैंड को कह रही थी हम भी रोक सकते हैं, तो वो कह रहे थे कि आपको फाइन डाल देगा, लेकिन वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं ना उनके लिए कोई चार्ज नहीं होता। तो ये बच्चे नाश्ता कर रहे थे क्योंकि अभी भी वक्त 8:30 बजे का वक्त हो रहा था, बच्चे को टाइम हो जाता ना इसलिए। तो आ गए थे घर पर 11 बजे, ट्रेन लेट हो गई थी तो 11 बजे आए थे घर पर, 11:15 हो गए थे। तो ये देखिए बच्चे खेल रहे थे, मैंने जल्दी जल्दी याद कर फास्ट में पहले दरीचे दरवाजे खोले थे क्योंकि इतने दिन से बंद है ना दरवाजे और दरीचे, इसलिए स्मेल थोड़ी बाहर जाएगी ना तो हवा फ्रेश हवा अंदर आएगी। तो मैंने आकर सब तो धोए हुए थे, तो आटा गून लिया था मैंने आकर आटा गून लिया था। नाश्ता तो नहीं किए थे ना, बस इडलियाँ वगैरह बच्चे रेलवे स्टेशन में खाए थे। तो शेरवा जाते वक्त मैं गर्म कर रख गई थी फ्रिज में, तो शेरवा था तो मैं काट कर गर्म कर ली और आटा गून लिया था। बस इसे ही पराठे बना कर दे दूँगी, बच्चे और मेरे हस्बैंड मैं खा लेंगे, हम सब खा लेंगे। हाँ साकिब को दोपहर की तक की रजा थी, जहर तक की ही उसे रजा दिए थे, तो उसे शाम को बुला कर जाना है। उसे सर्दी खांसी और शुरू हो गई थी, थोड़ा सा पेट में दर्द, रात तमाम बच्चा सोया भी नहीं था सलमा के घर में, वॉमिट भी शुरू हो गई थी नाइट में उसे। तो शाम को जाकर हॉस्पिटल चेकअप करा कर उसे लेकर जाकर मदरसे में भी छोड़ना था। तो ये था, तो आ गए थे। तो चलिए मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, इसके बाद साकिब को ले जाना है, शाम को जाकर आकर उसे ले जाकर छोड़ना है। हाँ मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा मार लग गया था ना, तो 5 से 6 दिन से वो घर में ही थे, तो सर पर ऐसा लोहे का मार आंग पर लग गया था, तो थोड़ा जख्म ज़्यादा ही हो गया था, इसलिए वो घर पर ही नहीं जा रहे थे अब। तो आ गए थे हॉस्पिटल टेस्ट कराने के लिए, ये वेट चेक कर रहे थे। पिछले 2 महीने में 3.5 किलो वेट उतर गया था, इतना बीमार हो रहा है ना साकिब, जब से हम मदरसे में डाले हैं ना साकिब को, तो बहुत ही से तबीयत ठीक नहीं रहती। महीने में 2 से 3 बार तो शाम को जाना ही जाना है बुलाकर, पता नहीं अल्लाह जाने इसमें क्या राज है। तो आ गई थी शॉप में दिखा कर हॉस्पिटल में, तो दवाएं लेकर आ गई थी, तो आकर जल्दी जल्दी से मैंने गेंदा बना लिया था, उसे कुछ खाया नहीं जा रहा था, पेट में दर्द भी था, रजा भी नहीं दे रहे थे मदरसे में, तो मैंने गेंदा बना ली थी और इसे पैक कर दे रही थी। तो अब ले जाकर छोड़ कर आएंगे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाएंगे। तो अब तो जहर का वक्त है, लेकिन खाना वहाँ पर हो जाएगा 1 घंटे के पहले हो जाएगा। तो अब 1:30 बज रहे थे ना, तो मैंने गेंदा पैक कर दिया था कि 4-5 बजे ये खा लेगा, तो थोड़ा सा मैं अब खिलाकर दवाई खिला दूंगी, खिलाकर लेकर जाकर मदरसे में छोड़ कर आ जाएंगे। तो मैं मिलती हूँ आपको, तुझे वेट कहीं को गलिस कर दाता गोलियाँ खाए साकिब तू।
तो ये था दूसरा दिन। सुबह बच्चों को वक्त हो गया था स्कूल का, तो किट बैग वगैरह सारे पड़े हैं, बस इसके कपड़े समेटना है। देखिए नाच रहे थे बच्चे, कल सारा दिन हम बच्चे के साकिब को छोड़कर आकर सारा दिन सो सो कर ही उठे थे। बच्चे हो गए, मई हो गए, हस्बैंड है, सब सो सो कर ही उठे थे। तो रात में का खाना बचा हुआ था, बहुत ज्यादा बच गया था खाना, इसलिए रईस तो मई भी नहीं खा रही वैसे भी, तो बहुत बच गया था इसलिए मैंने खाना तल डाली थी कि बच्चे भी खा लेंगे, मेरे हस्बैंड भी खा लेंगे नाश्ते में, इसका कोई हर्ज नहीं। लेकिन ज़्यादातर उन्हें रोटी पराठा ही चाहिए था, लेकिन कुछ बार मना लूँगे तो खाएंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नहीं पूरा खाना ही तल डाला था। बच्चे भी खा लेंगे और इसे पैक भी कर दूँगी लंच के लिए। तो हो गई थी शाम, आ गए थे बाहर, मतलब निपट मसाला खाने के लिए, हमारी फेवरेट जगह थी ये। हम पर आ जाते हैं, बच्चे स्कूल से आकर मदरसा ट्यूशन चले गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड थे घर में अकेले, तो आ गए थे बाहर। देखिए यहाँ पर इतनी भीड़ होती है ना, क्योंकि मज़ा रहता है, यहाँ का टेस्ट लगता है, हम यहीं पर ही खाते हैं ना, तो टेस्ट रहता है। कभी भी आएंगे तो रश भीड़ ही मिलेगी। तो निपट मसाला मैंने वन एंड हाफ खाए, मेरे हस्बैंड ने वन एंड हाफ खाए। तो आ गए थे घर पर, तो मैं बच्चों को कह दे रही थी कि दस्तरखान डालो, तो वक्त हो गया था, तो बच्चों के लिए हमने पैक करवा कर लेकर आए थे। हम जब भी जाते हैं तो बच्चों को बुला कर जाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं थे, ट्यूशन रबी में बिजी थे, तो हम पैक करा कर लाए थे, तो बच्चों ने खा लिया था। हाँ, दोपहर में मैंने राइस चढ़ाए थे, तो खाना ऐसा ही है, कतली मैंने नहीं बनाया था, अम्मी बनाए थे। अम्मी जब भी कतली बनाते हैं तो मेरे यहाँ दे कर भेज देते हैं, वो एक कट लेकर आते हैं ना, चाकूत की भाजी का ही वो भी कतली बनाते हैं, तो एक कट बहुत बड़ा होता है ना, तो वो कतली जब भी बनाते हैं घर पर देकर भेजते हैं, तो मेरे हस्बैंड को पसंद है ना, तो इसलिए देकर भेजे थे। तो कतली ही थी, तो राइस मैंने चढ़ा लिए थे, तो अंडे ऑमलेट बना रही थी, प्याज मैंने कट कर लिए थे, बस मैं नहीं खाऊंगी, बस बहुत हो गया था फुल बाहर का। निपट मसाला फ्राई का होता है ना सारा आइटम इसी में ही, तो मैं नहीं खाती, तो मेरे हस्बैंड और बच्चे खा लेंगे, इतना ही था आज। तो ये दूसरे दिन शाम का वीडियो थे, आज भी मेरे हस्बैंड और घर पर ही थे, वो घर पर ही है ना, थोड़ा मार लग गया था उनको आंख के ऊपर सर के पास, तो वो रजे में ही कुछ दिन के लिए घर पर ही हैं, तो सारा दिन सो सो कर उठ रहे थे हम, और बाहर आ गए थे, बच्चे भी नहीं थे तो आ गए थे। आज भी कुछ आइटम खाकर गोपी खाकर जा रहे थे, मंचूरियन का याद आ रहा था, वो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा पसंद लगता है वो, तो मंचूरियन खाकर बच्चों के लिए समोसे पैक करवा लिए थे हमने। तो आ गए थे दुकानें वगैरह थोड़ा बहुत घूम कर आ गए थे, तो मैं देखे इजहान आ गया था, तूफान इस रखा था इसका, अभी भी आया था इजहान तो ट्यूशन से, तो दोपहर में मैंने कड़ी भी चावल बना लिए थे। सारा दिन सोकर ही उठी हूँ, आज भी मेरे हस्बैंड सो गए थे, मैं भी सो गई थी, इतना आलसी ने सोमारी हो गई थी ना मैं उस दिन से, तो इतना नहीं सोती मैं, क्योंकि सुबह ही उठती हूँ ना मैं, सुबह ही 4:30-5 बजे उठ जाती हूँ, नींद आँख खुल जाती है, तो मेरी तहज्जुद के बाद मेरी फजर होती है, तो आधा ऐसे एक पारा पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी देर सोती हूँ, आधा एक घंटा एक घंटे के करीब मैं सोकर उठती हूँ, तो दोपहर में मैं सोना ही होता है हर दिन, मुझे हाफ एन आवर तो नींद चाहिए ही चाहिए हर दिन, तो इसलिए आज थोड़ा ज्यादा ही सो गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो उठने के बाद मैंने कड़ी, लोबिया की कड़ी मेरे हस्बैंड को पसंद फेवरेट थी, लोबिया की कड़ी बनाकर राइस बना लिए थे। दोपहर का ही चावल थे, दोपहर के ही राइस थे, तो मैं अब नहीं बना रही सिर्फ इसके लिए, बस थोड़ा खीमा काट लिए थे मैंने, काट ली थी मैं, आधा किलो के करीब खीमा था, तो उसमें का आधा काढ़ी थी मैं, बस आज भी मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि आज भी बाहर का आइटम ज्यादा हो गया था मेरा इसलिए, तो थोड़ा खीमा ये काट कर मैं ग्राइंड कर ली थी, बस इसे के कबाब बना लूंगी। तो इसके लिए मसाला बता रही थी, 2 प्याज मतलब मीडियम छोटे से इसके 2 प्याज को, और 2 से 3 हरी मिर्ची, और थोड़ी सी अदरक 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा, और 5-10 से 12 लहसुन, और खतमीर थोड़ी सी दरदरा सा कूट लेना है, मतलब पीसना, फाइन पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा सा कूट लेना है, बस दरदरा सा मोटा ही रहना चाहिए। गोला कबाब बना रही थी, इसमें थोड़ी सी हल्दी को ऐड कर दी थी, डालना चाहो तो मिर्ची पाउडर डाल भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही, तो इसी में धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून को ऐड कर दिया था, और सूखा कुटा धनिया 1/4 टेबल स्पून को ऐड किया था, ये काला नमक था, मतलब पिंक सॉल्ट होता है ना, वो थोड़ा सा मैंने ऐड किया 1/4 टेबल स्पून के करीब, और 1/4 टेबल स्पून थोड़ा सा मैंने काली मिर्ची का पाउडर को ऐड किया, और थोड़ा सा चाट मसाले को ऐड किया, नमक टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो, और ये
चिली फ्लेक्स थे मेरे, ये रेडीमेड नहीं थे और ये होममेड ही थे, तो मैंने सुखा कर थोड़े से दरदरे से कूट लिए थे, वो मैंने थोड़े से ऐड कर दिए थे। और ये बेसन था, बेसन भी डाल सकते हो, और फूटानी मतलब चने की, सूखा चने की दाल होती है ना, तो उसका भी पाउडर डाल सकते हो। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ये ऐड कर दिया था, बस इसे नमक टेस्ट कर कर देख रही हूँ। और इसके बाद मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब जो मैंने होममेड कबाब का मसाला बनाया था ना, पहले रेसिपी बताई हुई है, तो मेरी मसाला पाउडर मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऐड कर दिया था। बस इसे अच्छी तरह से मसल कर अच्छी तरह से, मतलब नींबू आप डालना चाहो भी डाल सकते हो, लेकिन खाने के बाद मुझे अच्छा लगता है, खाने के बाद मतलब तलने के बाद डालो तो ऊपर, तब टेस्ट लगता है मुझे, तो इसलिए मैं नहीं डालती। इसलिए मसाला सब मसल कर रख लिया था, बस गुलाब कबाब के लिए। बस मेरे पास खम्भी नहीं थी, ऊपर शीख की काड़ी है, ऊपर है, मतलब शेल्फ पर रखती हूँ मैं, अब कौन काड़े, इसलिए बच्चे की मैंने पेंसिल लिख रहा था तो वही मंगकर उल्टे तरफ से बना लिए थे। बस इसे गोला कबाब बिल्कुल छोटे बनाते हैं, लेकिन मुझे छोटे छोटे नहीं बैठ रहे थे हाथ में, तो थोड़े से बड़े मैंने बना लिए थे। बस दस्तरखान बिछाने के लिए मैंने बच्चों को कह दिया था, बस मेरे हस्बैंड, बच्चे और आंटी ने लोग ही खाएंगे। आज भी बिल्कुल मैं नहीं खाऊंगी, आज भी तो डेट चल रही है ना, तो 3 से 4 दिन से बाहर का आइटम ज़्यादा भी हो गया था मेरा, इसलिए तो इस तरह से बनाकर मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए थे। और ये मेरा देखिए मीडियम फ्लेम आंच था, तो डालकर इस तरह से रख लिए थे। बस बच्चों को काफ़ी है, बस आजू बाजू से मैंने 2-3 टेबल स्पून ऑयल और डाला था, बस इसे दम पर छोड़ना है, तो ये फ्राई होते रहेंगे। देखिए कैमरा उठाकर मैं सामने से दिखा रही थी आपको, इसी तरह से हिला हिला कर बना लेना है। एक गोला कबाब की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की हुई थी शायद पहले, या नहीं मुझे नहीं याद आ रहा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही है, पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें ज़रूर से याद रखिएगा। अगर कमेंट में जो भी आपको लगे मेरे ब्लॉग में कमी है तो आप मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा, सुधारने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह से। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, दुआ में ज़रूर से याद रखिए।